हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड असोलिपिक रिटर्न एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने ये क्वेश्चन पेपर 2015 सेट ए का लिया हुआ है। इसका मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुढ़िया से उठा नहीं जाता किस वाच्य भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृवाच्य या ऑप्शन डी उपर्युक्त नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाववाच्य, क्योंकि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, तो इसलिए इस वाक्य में भी जो उसका सही ऑप्शन है वो होगा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए बातें, ऑप्शन बी लताएं, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी भैंसे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिपि, क्योंकि लिपि का बहुवचन होता है लिपियाँ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मित्र शब्द का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए संबंधी, ऑप्शन बी सखा, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी सहयोगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सखा। क्वेश्चन नंबर फोर है, लकीर की फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए लकीर खींचना, ऑप्शन बी नई बातों पर सोचना, ऑप्शन सी आंखें बंद कर पुराने ढंग पर चलते रहना, ऑप्शन डी पुरानी सोच को बदलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंखें बंद करके पुराने ढंग पर चलते रहना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, चंपत होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए भाग जाना, ऑप्शन बी चोरी करना, ऑप्शन सी धोखा देना, ऑप्शन डी लाभ होना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग जाना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पुष्पराज शब्द का लिंग कौन सा है? ऑप्शन ए उभय, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या ऑप्शन डी पुल्लिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुलिंग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, गधा का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी गधी, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी गधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गधे। क्वेश्चन नंबर एट है, सरला पढ़ती है किस वाच्य भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य या ऑप्शन डी उपर्युक्त नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध हो। या ऐसे सरल शब्दों में कहा जाए, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध संज्ञा शब्द का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाववाचक। क्वेश्चन नंबर टेन, शुद्धता द्वैतवाद में प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी मध्य आचार्य या ऑप्शन ई बल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा बल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, अपना सर्वनाम शब्द के भाववाचक रूप क्या है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी अपुन, ऑप्शन सी अपनापन या ऑप्शन डी तुम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपनापन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, पाठ शब्द का कौन सा प्रत्यय लगाने से पाठक बन गया है? ऑप्शन ए अक, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ठक या ऑप्शन डी आठक। तो इसका सही आंसर होगा अक, क्योंकि जब हम पाठ में अक लगाते हैं तो बन जाता है वो पाठक। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, संज्ञा के जिस रूप में यह पता चले कि वह पुरुष जातिवाचक है या स्त्री जातिवाचक, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी लिंग या ऑप्शन डी भाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम से पत्र पढ़ा जाता है इसमें कर्म कौन सा है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी राम से, ऑप्शन सी पत्र या ऑप्शन डी पढ़ा जाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पढ़ा जाता। क्वेश्चन नंबर 15 है, चार घोड़े दौड़ रहे हैं यह उदाहरण विशेषण के कौन सा प्रकार को सूचित करता है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन सी ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी सर्वनाम नामिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संख्या होता है, क्योंकि चार एक संख्या होता है इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है, आंखों में धूल झोंकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, आंखों में मिर्च के कीड़े गिरना। ऑप्शन बी, आंखों में धूल के कण गिरना। ऑप्शन सी, धोखा देना। या ऑप्शन डी, मारपीट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किताब शब्द का बहुवचन रूप क्या है? ऑप्शन ए, किताबों। ऑप्शन बी, किताबी। ऑप्शन सी, किताब। ऑप्शन डी, किताबें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किताबें। क्वेश्चन नंबर 18 है, संधि में इनमें से सही भेद चुनिए। ऑप्शन ए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन बी, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीर्थ संधि। या ऑप्शन डी, गुण संधि, अयादि संधि या यन संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, आगंतुक। ऑप्शन बी, अनाज। ऑप्शन सी, धन। या ऑप्शन डी, यात्री। तो इसका सही आंसर है आगंतुक। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए, तोय। ऑप्शन बी, तालाब। ऑप्शन सी, नदियाँ। या ऑप्शन डी, सरोवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तोय। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, सीता खाती है। ऑप्शन बी, लड़के पढ़ते हैं। ऑप्शन सी, रमेश से पत्र पढ़ा जाता है। ऑप्शन डी, सीता से चला नहीं जाता। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपसर्ग अपने आप में क्या है? ए, स्वतंत्र है। बी, स्वतंत्र नहीं है। सी, मुक्त है। या डी, उपसर्ग प्रत्यय पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तत्सम पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए, प्रथम। ऑप्शन बी, द्वितीय। ऑप्शन सी, तृतीय। ऑप्शन सी, चतुर्थ। तो तत्सम पुरुष समास में अंतिम अर्थ प्रधान होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही होना चाहिए, यानी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सच क्या है? ए, तत्सम शब्द। बी, अर्थ तत्सम शब्द। सी, तद्भव शब्द। या डी, विदेशी शब्द। तो इसका सही आंसर है सी, तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 25 है, घर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, गृहक। ऑप्शन बी, गृहिणी। ऑप्शन सी, गृहिका। या ऑप्शन डी, गृह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गृह। तो ये मेरा पार्ट वन है, मैं जल्द ही पार्ट टू का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।